हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल में यूज़ होने वाले कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट्स के बारे में, जिनका प्रॉपरली यूज़ होता है एक्सेल में। तो एक्सेल में आपको अगर प्रो बनना है तो इन शॉर्टकट्स का आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ए से। यहाँ पर मैंने लिख रखा हुआ है कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, एंड ऑल एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल ए से क्या होता है। कंट्रोल ए के सामने लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल द डेटा, मतलब अगर कंट्रोल ए हम प्रेस करते हैं, जैसा कि मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारे डेटा को इसने सेलेक्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल बी। कंट्रोल बी बोल्ड द सिलेक्टेड डेटा, जिस डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल बी किया, तो देखें यहाँ पे ये बोल्ड हो गया, बाकी के कंपेयर में ये ज़्यादा डार्केस्ट हो गया है। इसको हटाने के लिए फिर से कंट्रोल बी, लगाने के लिए कंट्रोल बी, ये हो गया बोल्ड डेटा। अब इसको हटा देते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी द सिलेक्टेड डेटा। कंट्रोल सी करके देख लेते हैं, और ये यहाँ पे एक हाईलाइट वैल्यू आ रही है, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब कहीं पे उसको जाके हम यहाँ पे मान लीजिए सपोज करके हम कंट्रोल वी, जो पेस्ट करने का मतलब शॉर्टकट होता है, आगे हम पढ़ेंगे, तो जो ये कॉपी हुआ था वो यहाँ पर आके दोबारा पेस्ट कर दिया है। फिर चलते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी क्या करता है, फिल द बिलो सेल विथ अपर सेल डेटा। अच्छा, नीचे वाले सेल में ऊपर वाले सेल का डेटा ही फिल करता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कंट्रोल डी, ये देखिए ऊपर लिखा था कॉपी सिलेक्टेड डेटा, ये नीचे आ गया, ठीक। या फिर रिप्लेस द वैल्यू, ये वाली है, अगर हम इसके नीचे कंट्रोल डी करते हैं तो रिप्लेस द वैल्यू यहाँ पे भी आ गया, मतलब जस्ट ऊपर वाले सेल की वैल्यू उठा के नीचे वाले में असाइन कर देता है। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का वर्क होता है फ्लैश फिल। तो सबसे पहले जानिए फ्लैश फिल क्या होता है। फ्लैश फिल का एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया एबीसी और इस वाले कॉलम में लिख दिया डीईएफ, वैसे नीचे लिख दिया 1 2 3, यहाँ पे लिख दिया 4 5 6, यहाँ पे लिख दिया राम और यहाँ पे लिख दिया कुमार। अब ये अगर ऊपर वाले को हमने लिख दिया एबीसी स्पेस डीईएफ, और मैं चाहता हूँ सारे जितने इसके नीचे भी डेटा हैं सारे ऐसे के ऐसे हो जाएं, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं होगा, बस कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। तो जैसे ऊपर वाले ने लिया है वैसे नीचे वाले ने लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों के बीच में स्पेस डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने स्पेस ले लिया। अब सपोज़ ए बी सी स्पेस डी ई एफ, तो देखिए मैंने ऊपर वाला कैपिटल में लिखा तो नीचे वाले भी कैप्स में आ गए। अगर हम यहाँ लिखते हैं ए बी सी स्लैश डी ई एफ, ये देखिए नीचे वाले भी उसी में आ गए, यहाँ पे क्योंकि कोई डेटा नहीं था, यहाँ कोई डेटा नहीं, स्लैश आ गया, समझ गए दोस्तों। बस इसका सिंपल सा ये यूज़ है, जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। फिर अगला फाइंड द वैल्यू इन द एक्सेल। ओके, एक्सेल में कोई वैल्यू वो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ़ का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एफ़ किया और मान लिया मैंने लिखा है डेटा, तो डेटा कहाँ कहाँ लिखा है ये फाइंड कर देगा। ये देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है सेल डेटा, फाइंड नेक्स्ट, एक यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपीड द सिलेक्टेड डेटा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे वो बताता जाएगा। अगर फाइंड ऑल करते हैं तो वन शॉट में यहीं पे इसी विंडो में बता देगा कि कौन कौन से सेल में आपका गिवन, ये जो आप वर्ड को फाइंड करना चाहते हो वो कौन कौन से सेल में दिया हुआ है। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। कंट्रोल जी, गो टू द पर्टिकुलर सेल इन एक्सेल। बहुत बड़ी शीट है, बहुत बड़ी एक्सेल की शीट है, और किसी आपको वैल्यू पे जाना, किसी सेल पे जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल जी का यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं, मान लीजिए हमने दे दिया, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, A2। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं A2, ओके करते हैं तो ये आ गया A2। ये देखिए ए कॉलम और 2 इसका रोज नंबर, तो A2 यहाँ पे देखिए इसका नाम भी लिखा हुआ है A2। ओके, तो बस गिवन सेल में जाने के लिए, किसी पर्टिकुलर सेल में जाने के लिए हम कंट्रोल जी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एच। कंट्रोल एच का रिप्लेस द वैल्यू। ओके, कंट्रोल एच करते हैं। कंट्रोल एच करने पे वही डायलॉग बॉक्स खुल गया, लेकिन रिप्लेस के साथ। मान लीजिए हम चाहते हैं जहाँ जहाँ लिखा है डेटा वहाँ पर हम लिख दें एक्सेल, एक्सेल हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 4-5 ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल,
एक साथ जितने भी फाइंड करेगा इसमें से जहाँ जाए डेटा फाइंड करेगा सबको एक्सेल कर देगा, या वन बाई वन रिप्लेस करता जाएगा, या फिर सबको एक साथ खोजेगा, या फिर एक एक करके सर्च करेगा। तो हम क्या करते हैं, सबको एक साथ रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ये देखिए ये बता रहा है ऑल डन, वी मेड सिक्स रिप्लेसमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता सिलेक्ट ऑल द डेटा तो एक्सेल हो गया, बोल्ड सिलेक्टेड डेटा तो एक्सेल हो गया। ओके इसको हम बंद करते हैं और इसको पहले जैसा कर देते हैं। ओके ये मैंने कंट्रोल जेड से किया है, कंट्रोल जेड आगे हम देखेंगे कि क्या वर्क होता है इसका। अभी हमने कंट्रोल एस तक की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके फिर कंट्रोल आई चलते हैं, कंट्रोल आई के लिए कंट्रोल आई क्या करता है, इटैलिक स्टाइल टू द सिलेक्टेड वैल्यू। अभी हम मेरा ये वाला सेल सिलेक्ट था तो इटैलिक हो गया, देख पा रहे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसकी वर्डिंग थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है जिसे इटैलिक मोड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इस वाली वैल्यू को हमने बोल्ड कर दिया और इसको आई करेंगे तो ये देख पा रहे हैं दोस्तों ये हल्का हल्का बेंड हो गया है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है कंट्रोल आई का यूज़ हो गया। जे कंट्रोल जे वर्ड में यूज़ होता है जस्टिफाई पैराग्राफ कॉल वो बनाने के लिए, पैरा बनाने के लिए कंट्रोल जे, लेकिन यहाँ पे एक्सेल में कोई इसका खास यूज़ है नहीं। कंट्रोल के ये बहुत बढ़िया है, कंट्रोल के होता है ऐड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी गिवन टेक्स्ट को हम लिंक बनाते हैं किसी दूसरी चीज़ को खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, पहुँचने के लिए। जस्ट एग्जाम्पल मैं इसी को हाइपरलिंक बनाता हूँ, कंट्रोल के को यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हाइपरलिंक बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल के, तो बता रहा है पूछ रहा है आपसे कि क्या चीज़ हाइपरलिंक करना है। तो मैं क्या करता हूँ कोई भी एक फ़ाइल उठा लेता हूँ यहाँ से, ये अनटाइटल्ड फाइल है, ये कोई जेपीजी इमेज दिख रही है, चले इसी को हम टैग कर देते हैं। अब ये देखिए ये फॉर्मेट इसका बदल गया, ये हाइपरलिंक फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये क्या करेगा हाइपरलिंक बन गया, देखिए यहाँ पे हैंड का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो देख पा रहे दोस्तों ये जो हमने वहाँ पे हाइपरलिंक करके लगाया हुआ था वो यहाँ से ओपन हो जा रहा है, बस ये ओपन हो गया। इसका यूज़ यही है। कंट्रोल एल होता है क्रिएट द टेबल। जैसे मैंने ये एक शीट बनाई हुई, अगर इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना होगा तो बस सिंपली इसमें रख के अपना माउस किसी भी सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल कर देना है। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सारा सिलेक्ट करके पूछ रहा है क्रिएट टेबल, ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों ये टेबल के फॉर्म में आ गया। ओके इसको पहले जैसे कर देते हैं। कंट्रोल एम में भी कुछ खास असाइन नहीं है, इसमें कुछ असाइन नहीं है। कंट्रोल एन का यूज़ होता है नया एक्सेल वर्कबुक लेने के लिए, और मैं करता हूँ कंट्रोल एन, ये देखिए ये नया वर्कबुक आ गया। ठीक है दोस्तों फिर आता है कंट्रोल ओ क्या करता है, ओपन प्रीवियस सेव्ड फाइल, जो भी आपने एक्सेल की फ़ाइल बनाई होगी सेव की होगी उसको ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ, तो यहाँ पे आके पूछेगा। ये देखिए मैंने कुछ फाइल्स बनाई हुई हैं उसको पूछने के लिए। ओके ओके दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब कंट्रोल पी क्या करता है, प्रिंट द फाइल, गिवन एक्सेल फाइल को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का यूज़ करते हैं। और ये मैंने किया कंट्रोल पी करते हुए प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे खूब ढेर सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको चाहिए कि ये भी मैं आपको बताऊँ कि किस कौन से ऑप्शन से क्या होता है और अच्छे से प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग की सेटिंग करना कैसे होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा एलैबोरेट करके एकदम डीप नॉलेज के साथ। और अभी आप देख पा रहे हैं ये दो पेज में प्रिंट हो रहा है, क्यों दो में हो रहा है एक में क्यों नहीं हो रहा है वो सब अगली वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कंट्रोल पी का यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। फिर कंट्रोल टी का भी यूज़ होता है सेम एज कंट्रोल एल की तरह, क्या करता है क्रिएट द टेबल। यहाँ पे मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी क्या कह रहा है क्रिएट द टेबल। ओके कर दिया, देखिए टेबल बन गया सेम एज कंट्रोल एल, जैसे कंट्रोल एल में टेबल बनता था वैसे ही कंट्रोल टी का भी यूज़ है। ओके अब चलते हैं कंट्रोल यू में अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये क्या करता है जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन क्रिएट कर देगा। कैसे करता है आइए देखते हैं कंट्रोल यू, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक अंडरलाइन क्रिएट हो गई है, इतना सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल यू, देखिए सबके नीचे जहाँ तक आपका लिखा हुआ है वहाँ तक की वैल्यू के नीचे इसने अंडरलाइन कर दिया। ओके फिर आते हैं कंट्रोल वी,
कंट्रोल वी क्या करता है, पेस्ट करता है वैल्यू को, कॉपी टेक्स्ट जो कॉपी किया है वो भी, और जो कट करते हैं वो भी। यहाँ पे कट मिस हो गया है, कट कैसे होता है वो मैं आगे बताऊँगा। कंट्रोल वी का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए, जैसे कंट्रोल सी करके मैंने ये वाली वैल्यू कॉपी की और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दिया, तो ये क्या हो गया, पेस्ट हो गया, यही वाली कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गई। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ होता है क्लोज द ओपन एक्सेल फाइल। तो कंट्रोल डब्ल्यू अभी इसको नहीं करूँगा क्योंकि ये अभी आगे आपको बताना है। तो एक नई फाइल लेते हैं कंट्रोल एन से, ये यहाँ पे कुछ ओपन करके, अगर मैं इसको कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ तो ये पूछेगा सेव करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं। कंट्रोल एन, अगर मैं कुछ नहीं करता तो कंट्रोल डब्ल्यू डायरेक्ट ये क्लोज़ कर देगा। अगर कोई आपने एडिट किया होगा, कुछ लिखा होगा, तो क्लोज़ करने से पहले आपसे पूछेगा कि जो आपने चेंज किया उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। ओके, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट, ये देखिए ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गई है। कट में क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल एक्स से मैंने कट किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया, पेस्ट तो दोनों वैल्यू हुई, कंट्रोल सी वाली भी कंट्रोल एक्स वाली भी एज इट इज़। बट होता क्या है, कंट्रोल सी से क्या होता है, प्रीवियस पोजीशन पे भी वो रहती है और न्यू पोजीशन जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे भी रहती है वैल्यूज़। लेकिन अगर कंट्रोल एक्स करते हैं तो प्रीवियस जो ओरिजिनल प्लेस होता है उसका, वहाँ से वो चीज़ें हट जाती हैं, कट हो जाती हैं, कट होके यहाँ पे आती हैं। ओके, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में यही फ़र्क है, इसको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई क्या करता है, रिवर्स ऑफ अंडू, इसको रीडू भी बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रिवर्स ऑफ अंडू को रीडू बोलते हैं, कंट्रोल वाई से करते हैं। कंट्रोल जेड क्या करता है, अंडू द फंक्शन। तो सबसे पहले कंट्रोल जेड देखते हैं, कंट्रोल वाई आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम अफरोज आलम, फिर इसे किया बोल्ड, फिर इसे कर दिया इटैलिक, फिर इसके नीचे कंट्रोल डी करके दो बार लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन चार स्टेप्स किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टेप कम हो जाए। तो सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या था, मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी किया हुआ था। तो कंट्रोल जेड क्या करता है, एक एक स्टेप आपको प्रीवियस ले जाता है। जैसे कंट्रोल जेड चला गया एक स्टेप, दूसरा स्टेप कंट्रोल आई किया था इटैलिक के लिए, तो कंट्रोल जेड करेंगे इटैलिक हट गया। तीसरा मैंने बोल्ड किया था, कंट्रोल जेड करेंगे बोल्ड हट जाएगा। और पहला स्टेप क्या था, मैंने लिखा था कंट्रोल जेड करूँगा, लिखा भी करा, मतलब एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज़ होता है। और वाई जस्ट इसी का अपोजिट, फिर से फॉरवर्ड पोजीशन जाने के लिए, जो जेड ने किया था, जेड ने क्या किया, एक एक स्टेप पीछे आया, वाई एक एक स्टेप आगे जाएगा। देखते हैं, कंट्रोल वाई लिखा गया, कंट्रोल वाई बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और नीचे वाली वैल्यू पेस्ट हो गई। समझ गए, कंट्रोल जेड का मतलब होता है एक एक स्टेप पीछे जाना और कंट्रोल वाई का मतलब होता है कंट्रोल जेड से जो हम पीछे गए थे उसी को ये आगे लेकर चला गया। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये शॉर्टकट कैसा लगा, ये ट्यूटोरियल। आगे भी ऐसे वीडियो के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन में ही हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।